पे कार्लो मास्टर्स राफेल नडाल ने 11वीं खिताब रिकॉर्ड विस्तारित करने के लिए केई निशिकोरी को अलग कर दिया। राफेल नडाल ने 11वें मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब को रविवार को फाइनल में एक विश्वव्यापी केई निशिकोरी को ब्रश करके विश्व नंबर एक रैंकिंग बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड किया। 31 वर्षीय ने निशिकोरी को 6 रन 3 6 रन 2 सेकंड हराया और अपने 76वें एटीपी टूर खिताब के साथ ओपन युग में 11-12 भी टूर्नामेंट जीतने वाला पहला व्यक्ति बन गया। स्पेन के राफेल नडाल ने ट्रॉफी रखी क्योंकि वह मोनाकोर में 22 अप्रैल 2018 को मोंटे कार्लो एटीपी मास्टर्स सीरीज टूर्नामेंट में अंतिम मैच में अपनी जीत का जश्न मनाते थे। 31 वर्षीय नडाल ने केई निशिकोरी को 6 रन 3 6 रन 2 सेकंड हराकर अपने 76वें एटीपी टूर्नामेंट के साथ ओपन युग में 11 बार टूर्नामेंट जीतने वाला पहला व्यक्ति बन गया। नडाल का 31वां मास्टर्स खिताब भी एकदम सही रिकॉर्ड है जो उसे नोवाक जोकोविच के साथ टाई से बाहर खींच रहा है। एएफपी फोटो यान कोटालियस। नडाल का 31वां मास्टर्स खिताब भी एकदम सही रिकॉर्ड है जो उसे नोवाक जोकोविच के साथ टाई से बाहर खींच रहा है। मुझे पता है कि अलविदा कहने का दिन 10 साल पहले करीब है। ऐसा कुछ है जिसे मैं चिंतित नहीं करता हूँ, लेकिन यह एक असली बात है, नडाल ने कहा, जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्वार्टर से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने पहले एटीपी कार्यक्रम में खेल रहे थे। जनवरी में एक हिप चोट के साथ मारिन सिलिक के खिलाफ फाइनल। इसलिए मैं सिर्फ टेनिस खेलना खुश रखने के लिए हर दिन आनंद ले रहा हूं और सबसे अच्छा रवैया के साथ खेलने की कोशिश कर रहा हूं। मिट्टी पर पूर्ण प्रभुत्व के 16 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन का युग किसी भी समय खत्म होने की संभावना नहीं दिखता है। नडाल ने लगातार सेटों के रन को 36 रन पर जीते। नडाल को रोजर फेडरर से पहले विश्व रैंकिंग के शीर्ष पर बने रहने के लिए टूर्नामेंट जीतना पड़ा जो क्ले कोर्ट के मौसम को छोड़ रहे थे, और उन्होंने मैच में 5 से अधिक गेम गंवाए बिना ऐसा किया। स्पेनियर्ड अगले हफ्ते 11वें बार्सिलोना ओपन जीत पर अपनी जगहें स्थापित करेगा और किसी को भी मिट्टी के कोर्ट के मौसम के अंत में रोलैंड गैरोस में 10 फ्रांसीसी ओपन खिताबों की रिकॉर्ड संख्या बढ़ाने से रोकना मुश्किल है। उन्हें जापान की निशिकोरी ने जल्दी ही धक्का दिया और एक ब्रेक डाउन गिर गया, लेकिन एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ वापस लौट आया जो पहले सेट के माध्यम से पहले से ही मिडवे पर पहुंचा। टूर्नामेंट में नडाल की तुलना में 7 और सेट खेलने के बाद निशिकोरी ने स्वीकार किया, मेरे पैर आज बहुत भारी थे, लगातार 3 दिनों में 3 सेट खेलते थे, कठिन खिलाड़ियों के साथ खेलते थे, जाहिर है यह शारीरिक रूप से आसान नहीं था। यह अभी भी विश्व के 4 नंबरों के लिए एक उत्कृष्ट सप्ताह था जो जनवरी में दाएं कलाई की चोट के साथ 4 महीने की अनुपस्थिति से लौट आया था और शीर्ष 20 के कगार पर 36 की वर्तमान रैंकिंग से बढ़ेगा। 28 वर्षीय ने कहा, आज कठिन दिन राफा खेल रहा था, वह आज बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस सप्ताह अच्छी तरह से खेल रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं लगभग वहां हूं। नडाल ने मजबूत सर्विस होल्ड के साथ बोर्ड पर पहुंचे। जल्दी ही निशिकोरी को दबाव में डालने से पहले एक फटके हुए गुजरने वाले शॉट ने ब्रेक पॉइंट लाया, लेकिन स्पेनियर ने मिलीमीटर के मामले में लाइन को फोरहैंड से चूक दिया जिसमें निशिकोरी 11 मिनट के खेल के बाद चिपक गई, जिससे उन्हें शारीरिक रूप से थका हुआ देखा गया। लेकिन उस धारणा ने नडाल को दिखाया जिन्होंने पहली बार 2005 में इस कार्यक्रम को जीता था कि उनका प्रतिद्वंदी लड़ाई के लिए तैयार था। शीर्ष बिज भी नसों के दुर्लभ संकेत प्रदर्शित कर रहा था और निशिकोरी ने नडाल डबल गलती के बाद लाइन को बैकहैंड के साथ 2 रन 1 की बढ़त बना दी।
लेकिन वह एक उद्घाटन के उस चमक पर निर्माण करने में नाकाम रहे। ब्रेक बैक पॉइंट पर खुद को दो गुना कर दिया। उस महंगी गलती ने निशिकोरी के ग्राउंड स्ट्रोक से शुरुआती आक्रामकता को खारिज कर दिया और नडाल ने पहले सेट के कमांड को लेने के लिए अगले दो मैचों में प्रवेश किया। निशिकोरी ने सातवें गेम में ब्रेक पॉइंट जबरदस्त कर दिया, लेकिन अदालत के चौड़े खुलेआम के साथ लंबे समय से निकाल दिया क्योंकि नडाल ने नाक को आगे रखा। उन्होंने सलामी बल्लेबाज की सेवा करने के लिए थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन हालांकि निशिकोरी ने एक बेहतरीन बैकहैंड वॉली के साथ एक सेट पॉइंट बचाया, नडाल ने दूसरी बार क्लिंचिंग फोरहैंड्स की एक जोड़ी मनाते हुए हवा के एक पंच के साथ इसे दूसरी बार पकड़ लिया। निशिकोरी दूसरे सेट की शुरुआत में हार की बैरल को देख रहा था, लेकिन सेवा के लिए एक ब्रेक पॉइंट बंद कर दिया। लेकिन आखिरी संस्कार लंबे समय से लिखे गए थे और जीत पर बंद होने के लिए जापान के अगले दो सर्विस गेम में नडाल 15 रन बनाए। मिट्टी की अदालत में कभी भी कदम उठाने वाले सबसे महान खिलाड़ी ने सतह पर अपने 24वें मास्टर्स खिताब को एक जहरीले बैकहैंड से सुरक्षित कर दिया जो बेकार निशिकोरी के पीछे उड़ गया।